हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स, जहां पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं और एक इकोनॉमिस्ट की तरह सोचते हैं। आज हम लोक लेखा निधि के बारे में बात करेंगे, पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में। अनुच्छेद 266(2) में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) में। इसके अंतर्गत क्या आता है तो ध्यान रखिएगा, लोक लेखा निधि के अंतर्गत बैंक जमा को रखा जाता है, बैंक में जो जमाएं होती हैं लोक लेखा निधि में जमा की जाती हैं, भविष्य निधि जो होता है इसी में जमा करवाया जाता है, डाक जमा भी इसी में आता है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय लघु बचत जो निधियां होती हैं उनको भी पब्लिक अकाउंट फंड में जमा कराया जाता है, आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये पॉइंट पूरा कर रहा है, तो चार ये बिंदु याद रखिएगा, लोक लेखा निधि में सम्मिलित किया जाता है, पब्लिक अकाउंट फंड में डाला जाता है। अब लोक लेखा निधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिएगा एग्जाम में, पूरे एकदम आइट के आपको नंबर मिलेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। संचित निधि से इतर सभी सार्वजनिक राशियां भारत के लोक लेखा में जमा की जाती हैं, तो संचित निधि में जो जमा की जाती है उनको सभी हटा दें, इनके इतर जितनी भी चीज़ें होती सब इसमें जमा कराया जाता है। इस खाते से धन निकासी के लिए सरकार को संसद की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारी पिछली निधि थी संचित निधि, उसमें सरकार मंजूरी लेती है लेकिन इसमें मंजूरी नहीं लेती है। यह प्राप्तियां ऐसी होती हैं जो सरकार की नहीं होती, ध्यान रखिएगा, सरकार की नहीं होती हैं बल्कि सरकार दूसरों के लिए अपने पास रखती है, ठीक है, हम लोगों की होती वो सरकार अपने पास रखती है, तथा जिन्हें बाद में लौटाना होता है, ठीक है, तो बाद में इसको लौटाना होता है, और कमाल देखिए, लौटाना होता है, इसके साथ ही मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है और खर्च कर सकते हैं, ठीक है। इनके संबंध में सरकार केवल एक बैंकर या कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है, तो एक बैंकर के रूप में कि जैसे होता नहीं कि मड़ी होती थी, मड़ी को घेर करके सांप बैठता था, समझ लीजिए ऐसे ही सरकार कुछ करती है, ये निधियां अपने पास रखती है, कस्टोडियन के रूप में, एक बैंकर के रूप में कार्य करती है, और इसमें से कुछ भी खर्चा करना हो तो संसद की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। जबकि कंसोलिडेटेड फंड में अगर कोई उससे अगर कोई खर्चा करना हो तो मंजूरी लेनी पड़ती है, ये पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। आई होप आज का आपको वीडियो समझ आया होगा।